डीगरा शहर की धावंडा नदी के रखरखाव की ओर लापरवाही कर नदी को प्रदूषित करने के मामले में जल सिंचाई विभाग ने डीगरा नगर पालिका पर एक बार फिर लाखों रुपयों का जुर्माना ठोक दिया है। हालांकि इससे पहले भी सिंचाई विभाग ने पालिका से 7.5 लाख रुपए वसूल किए थे। पेश है डीगरा संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। एक जमाना था जब नदी नाले और तालाब किसी भी शहर गांव या देहातों के लिए लाइफलाइन हुआ करते थे, लेकिन इस दौर में बढ़ती आबादी, कथित कागजी विकास और स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की बदौलत नदियां, नाले और विभिन्न जल स्रोतों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ऐसा ही कुछ नजारा डीगरा शहर में भी देखने मिल रहा है। यहाँ की शहर के बीच से गुजरने वाली धावंडा नदी की बदहाली देखते ही बनती है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा यह नजारा धावंडा नदी का है, जिसके चारों ओर गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है। मालूम हो कि नदी नालों और अन्य जल स्रोतों के रखरखाव का जिम्मा सिंचाई विभाग का है, वहीं शहर से गुजरने वाली नदियों के रखरखाव की जवाबदेही स्थानीय प्रशासन की होती है, लेकिन डीगरा पालिका प्रशासन की अड़ियल कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की बदौलत शहर की धावंडा नदी इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में सिंचाई विभाग ने स्थानीय पालिका प्रशासन से धावंडा नदी के रखरखाव पर ध्यान नहीं देने का कारण सामने रखते हुए लाखों रुपए की दंड राशि वसूलने का मन बना लिया है। गौरतलब है कि सिंचाई विभाग भी केवल पालिका से दंड वसूलने में ही रुचि दिखा रहा है, वहीं पालिका प्रशासन बगैर किसी दिक्कत के लाखों रुपए की दंड राशि अदा करने से नहीं चूक रही, क्योंकि इसमें पालिका का तो कुछ नहीं जाता, जो कुछ जाता है तो वह जनता की जेब से वसूल किए गए टैक्स से जाता है। इस बात से साफ हो जाता है कि सिंचाई विभाग हो या पालिका प्रशासन या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि, उन्हें बुनियादी समस्याओं को हल करने और लोगों को राहत पहुंचाने में शायद कोई रुचि नहीं। उन्हें तो बस जिम्मेदारियों और काम के नाम पर केवल दिखावा करने से ही मतलब है। यही वजह है कि न सिर्फ डीगरा शहर की धावंडा नदी खस्ता हाल हो चुकी है, बल्कि कुल मिलाकर देखा जाए तो डीगरा शहर भी विभिन्न सुविधाओं के अभाव में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मेरी शिकायत ये नागरिक होने के नाते कि अब ये देखो इतनी गंदगी ज्यादा पड़ चुकी है कि भाई ये अब जवाबदारी ये नगर पालिका की है। अब नगर पालिका ने इसमें स्वच्छता अभियान जो चलाया है, लेकिन उस हिसाब से स्वच्छता नहीं हो रही है। अभी नगर पालिका का काम बनता है, यहाँ से देखो इतनी बदबू आ रही है कि ये बदबू आप सुन नहीं सकते, क्योंकि उनको वो यहाँ से पैदल नहीं जा सकते बड़े अधिकारी, इसलिए उनको मालूम नहीं कि यहाँ बदबू कितनी है। अभी बच्चे स्कूल के आते जाते यहाँ बदबू गंदगी देखो तुम, ये नदी का पूरा पानी रुक चुका है, इससे ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। अब ये नगर परिषद के अंडर में आता है, नगर परिषद का काम है क्या इसको सफाई रखना और इसका सही इस्तेमाल करना। BCN न्यूज़ के लिए डीगरा से जुबैर खान की रिपोर्ट।